हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से खास निवेदन कि आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको फ्री में मिलता रहे। आज हम इस एक वीडियो के अंदर नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे बच्चों को काफ़ी डर लगता है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, स्कूल में भी मैथ्स को लेके काफ़ी डरावने होते हैं। मतलब उनको डर लगता है कि यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि मैथ्स के अंदर हम किस तरीके से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, किस तरीके से हम मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला एक पॉइंट है, वो पॉइंट है कि आपको अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। मतलब आपको मैथ्स के अंदर समझना है, बेसिक कंसेप्ट को समझना है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं उसको समझना है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, उस रेक्टेंगल में लिखा है कि इजी मैथ्स क्या होता है। इजी मैथ्स के अंदर लिखा है कि 1 + 2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब 1 + 2 क्या होता है। तो 1 + 2 3 होता है। इसके अंदर बेसिक समझने जैसा क्या है, मतलब आप 1 को प्लस करना है 2 में, मतलब ऑपरेशन लगा हुआ है बीच में प्लस, इसका मतलब आपको समझना है कि प्लस एक ऑपरेशन है। मतलब समझना है आपको बेसिक क्या है, तो प्लस करना है। दूसरा, यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है आपके सामने, सर्कल। ये जो सर्कल है, सर्कल मतलब आपको देख के पता चल जाना चाहिए सर्कल है, मतलब सर्कल को समझना तो पड़ेगा। इसी तरीके से स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, तो ये सर्कल है तो सर्कल गोल होता है, स्क्वायर होता है तो उसके बेसिक कंसेप्ट में है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है। इसी तरीके से क्यूब में भी ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें समझने जैसी, मतलब आपको मैथ्स का अगर डर भगाना है तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। इस तरीके से आपका दूसरा पॉइंट है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ओनली कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इनफ, क्या आपको कंसेप्ट को समझ लेना ही काफ़ी है? नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यहाँ एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हो कि ये कार ड्राइव कर रहे हैं, तो सीधा अगर आप कार में बैठ जाओगे है ना, तो आप कार नहीं सीख पाओगे। मतलब आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, है ना। तो इस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब यहाँ पर एक पेंसिल का सिंबल बना हुआ है। व्यक्ति जब बड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे लिखना शुरू करता है। तो उसको डायरेक्टली आप बोलोगे ए बी सी डी लिख दो, है ना, उसको वर्णमाला लिखने को बोलो और अ लिखने को बोलो तो वो नहीं लिख सकता है। इसका मतलब उसको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसके अंदर सफल हो सकते हो। मतलब मैथ्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका हर नंबर का पॉइंट है मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको अलग से एक बुक बना लीजिए, उस बुक में सारे फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए। जब भी कोई कंसेप्ट क्लियर करना है या कोई टॉपिक चल रहा है मैथ्स का, तो अगर वो फॉर्मूले से सॉल्व होता है तो उसके फॉर्मूले अलग बुक बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले की बुक रेडी करनी है। उस फॉर्मूले की बुक में अंदर यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं बहुत सारे, ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कॉन है। तो इस तरीके से जो फिगर है उस फिगर के सारे फॉर्मूले आप एक बुक बना लीजिए, उस बुक में सारे के सारे फॉर्मूले भी लिखे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्थ नंबर का, स्टडी इन अ डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना है। डू नॉट डिस्टर्ब। आप अगर डिस्टर्ब होते हैं तो आपका मेंटली ध्यान नहीं होगा बुक के ऊपर और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि नहीं, मुझे आज ये टॉपिक है और इस टॉपिक को क्लियर करना है। मतलब आपको एकदम फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरीके से इस फ्री एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने आप को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपको देखना है कि कहीं पर आपको डिस्टर्ब ना हो। अगर आप देखना है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पास में बैठा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप उसके सामने दिखावा कर रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ,
मतलब वो आपके दिमाग में घुसने वाला ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना है कि जहाँ पे आपका शोर शराबा नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। पहला पॉइंट हमने देखा कि बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तीसरा मेंटेन फॉर्मूला बुक बनानी चाहिए, तो चौथा ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए जहाँ पे हमको कोई डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो इस तरीके से आपने देख लिया है मेरे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा आपने ये वीडियो देखा उसके लिए। तो नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए।